गुड मॉर्निंग पीपल, कैसे हो आप लोग? सो आई थिंक आफ्टर टू वीक्स वी आर हेडिंग आउट फॉर अ शॉर्ट स्पिन टुवर्ड्स जेवर, ग्रेटर नोएडा से जेवर 37 किलोमीटर्स 40 किलोमीटर्स छोटी सी राइड करेंगे. सो लेट्स गेट दिस थिंग स्टार्टेड गाइस. सेवन ए एम इन द मॉर्निंग, गर्मियों के हिसाब से थोड़ा सा लेट हैं हम. आई शुड से थोड़ा ज़्यादा ही लेट हैं क्योंकि इस मौसम में अराउंड 5-5:30 बजे तो राइड पे निकल जाना चाहिए. बट ठीक है, बड़े दिनों बाद बाइक चलाने का मौका मिल रहा है तो वाई टू कंप्लेन. एंड आई एम नॉट राइडिंग अलोन, आई हैव गॉट एन ऑसम बाइक टू एकम्पनी मी टुडे. आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, क्या आप लोग चाहते हो कि आई शुड स्टार्ट पोस्टिंग लाइक 3-4 वीडियोज इन अ वीक? मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में. वाई आई एम आस्किंग दिस, बिकॉज आई नो सब लोगों को ज़्यादा वीडियोज आते हैं एक चैनल पे, अच्छा लगता है. बट जो लोग डेली व्लॉग्स पोस्ट करते हैं, हफ्ते में 5-6 वीडियोज पोस्ट करते हैं, तो उनका सारा कंटेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट राइडिंग, उसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं. इधर उधर किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया. सो आपको इस टाइप का कंटेंट चाहिए क्या? अगर आप लोगों को चाहिए, इफ़ यू आर ओके विद दैट सॉर्ट ऑफ कंटेंट, और अगर वो आपको ऐसा नहीं लगता कि इरिटेट कर रहा है आपको, तो लेट मी नो, आई विल स्टार्ट मेकिंग स्टफ विच इज़ रिलेटेड टू मोटरसाइकिलिंग, बट नॉट एवरी वीडियो इज़ गोना बी अबाउट राइडिंग. क्योंकि आज तक मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोज जो मैंने अपने चैनल पर बनाए हैं, अपलोड किए हैं, आर ऑल अबाउट माई राइडिंग ट्रिप्स. सो बताना अगर आपको इस टाइप का कंटेंट यू विल बी ओके टू काइंड ऑफ एक्सेप्ट ऑन दिस चैनल, तो मैं उस टाइप का कंटेंट भी बनाना थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा. एंड देयर इज आनंद ऑन द अफ्रीका ट्विन. कैसे हो सर? फाइनली हम, मैंने सोचा आज तो मिल लेते नहीं तो फिर कोई पता नहीं क्या होगा सीन. सो दैट इज द होंडा अफ्रीका ट्विन 2020 model with Apple CarPlay and 125 पे हमने क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया है. आनंद भाई भी भगा रहे हैं बाइक, आई थिंक इज एट 135, तो थोड़ा सा बाइक को खोला जा रहा है आज. दिस इज 800 एंड दैट इज एन 1100, प्रॉपर 300 cc का डिफरेंस है. सो यहाँ से इतनी दूर से भी आई वॉज एबल टू सी द स्पीड इन द TFT डिस्प्ले ऑफ द अफ्रीका ट्विन. मुझे यहाँ से दिख रहा है 124-125 पे चला रहा है वो. सो दैट इज़ द विजिबिलिटी दैट द TFT स्क्रीन ऑफर्स, विच इज़ प्रीटी गुड. इतनी दूर से ऐसे डिस्प्ले में तो कुछ नहीं दिखता. बाइक के पूरे करारिया खोल देनी है आज. जब इतने दिनों बाद निकाली है तो यही करना चाहिए. भाई सोशली डिस्टेंट है हम, मैं बता रहा हूँ, मतलब कमेंट्स में ये मत बोलना कि तुम लोगों का डिस्टेंस बहुत कम है. वो अलग लेन में, एक लेन पूरी बीच में खाली है और मैं सबसे लेफ्ट वाली लेन में हूँ. सो सोशल डिस्टेंसिंग ओवर प्ले हो रही है यहाँ पे. 16 मिनट्स मैक्स 17 मिनट्स में हम जेवर आ गए हैं. यार ये तो बहुत जल्दी आ गए हम, ऐसा लगा ही नहीं बाइक चले 15 मिनट में आ गए. 7 बजे खुलता था पहले. सो हमारी राइड तो स्टार्ट हुई थी अफ्रीका ट्विन के साथ, और अब अफ्रीका ट्विन के साथ आ गई हैं 2 BMW 1250 Adventure 1250 HP, वट एवर दैट टर्मिनोलॉजी इज़. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ यू हैव एन अफ्रीका ट्विन, यू हैव अ टाइगर 800 XCA एंड 2 BMW 1250s. एंड वापस जाते समय आई विल बी राइडिंग द अफ्रीका ट्विन एंड लेट्स सी हाउ इट फील्स. यार इसकी सीट हाइट भी बड़ी लो है, 830 है. मेरा आराम से पैर बहुत ही इजीली पहुंच रहा है. इसका मैंने मोड पूर सेट किया हुआ है, वो
ये क्या अच्छा द राइडर इज रिस्पॉन्सिबल ये भी आएगा पहले भाई साहब जैसे जेट उड़ाने वाले हैं आज डिस्प्ले देखो कितना प्यारा है यार ट्रिप ए एवरेज कंजम्पशन ऑफ फ्यूल 20.1 किलोमीटर पर लीटर दे रही है अभी एवरेज एवरेज स्पीड इज 94 किलोमीटर पर आर कंजम्पशन इज 3.1 लीटर पर 100 किलोमीटर आई थिंक दैट इज द मैट्रिक्स फुल ऑन सब कुछ इन्फॉर्मेशन है एंड चलाएं आगे इसको सो द इनिशियल टॉर्क इवन इन द थर्ड गियर एट जस्ट 40 km/h द इनिशियल ग्रंट इज देयर द टॉर्क इज a lot more than what I usually feel on the Tiger. It is just pushing forward like this. And you see your bike being ridden by somebody else. तब आपको लगता है कि आपकी बाइक कितनी सुंदर है देखो टाइगर कितनी सुंदर लग रही है अपनी बाइक को किसी और के हाथों में देख के समझ में आता है कि कोई और चला रहा है तो हाउ ब्यूटिफुल द टाइगर लुक्स बट फॉर नाउ लेट्स राइड द अफ्रीका ट्विन सिक्स गियर 97 ईजी राइडिंग द विंड स्पीड इज सिग्निफिकेंटली हायर एंड आई थिंक इट जस्ट fits me perfectly all the wind blast is going over the beak of my helmet the one biggest change that I feel while sitting on this bike is how narrow the seat is see this is much more narrow than what you get on the Tiger and maybe just because of that my feet are reaching the ground very comfortably 830 mm seat height of the Africa Twin is feeling very welcoming after riding the Tiger 800 XCA just picks up like anything that's the torque that you get in the twin right kind of forgot that twin wala torque bahut pehle kai saal pehle versus chalata tha to oh suspension wow I was kind of thinking ke yahan pe toll band ho gaya hoga but nahi yahan to lambi line lagi hui hain This is one of the few tolls in India जहाँ पे bikers को पैसे देने पड़ते हैं सुधर जाओ यार जेपी वालों तुम लोग सुधरते नहीं हो पूरा इंडिया घुमाए हम गोवा तक हुआ है कर्नाटका तक एंटर हुआ है और कहीं भी हमें टोल देने की ज़रूरत नहीं पड़ी बाइक पे और यहाँ पे अपने ग्रेटर नोएडा से आगरा जाने वाले ताज एक्सप्रेस वे पे हम टोल देते हैं बाइक पे पता नहीं क्यों देते हैं यार देखो पर एक बात मैं आपको पहले ही बता दूँ मैंने अभी थोड़ी सी चलाई है मे बी लाइक 3-3.5 किलोमीटर चलाई होगी अफ्रीका ट्विन एंड pretty convinced that the 800 the tiger 800 is one of the smoothest adventure tourers out there bahut hi zyada smooth lagti hai chalane mein aur is pe aate hi twin cylinder pe aate hi you get to know ke aapka ek cylinder engine mein kam ho chuka hai you get a feeling ki aapko torque obviously bahut zyada mil raha hai twin cylinder setup se but wo jo smoothness feel hoti hai na wo khatam ho jati hai aur versus chalate samay mujhe aisa lagta tha ki jaise main ek refrigerator chala raha hu aisi type ki vibrations aati thi isme waisi nahi hai but इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस नहीं कंपेयर कर सकते आप बट आई एम प्रिटी श्योर ओवरऑल हैंडलिंग ओवरऑल केपेबिलिटीज एज अ पैकेज अफ्रीका ट्विन इज काइंड ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोडिंग एंड टूरिंग एज वेल तो वो सारी चीज़ें तो धीरे धीरे पता लगेंगी चला के अभी मैं 3 किलोमीटर में कैसे बता सकता हूँ आपको बट ये टोल कवर करने के बाद हम चलेंगे पूरा एक्सप्रेस वे पे वापस और जाएंगे नोएडा की तरफ विच इज़ लाइक अ गुड 30 किलोमीटर स्ट्रेच 30 किलोमीटर्स ऑफ फ्री रोड्स जहाँ पे आई कैन राइड हार्ड वेरी इजिली आई विल गेट टू एक्सपीरियंस अफ्रीका ट्विन्स फुल पावर तो तब आपको बताऊँगा उसके बाद कैसा लगता है आप लोग भी साथ में देखना अभी तो यहाँ पे दो डिस्प्लेज हैं जैसा आप देख सकते हो एक तो मेजर TFT डिस्प्ले है जिसमें सारी आपके फैंसी फीचर्स सारा डिस्प्ले कार प्ले वगैरह एंड्रॉयड ऑटो सब चलता है इसमें बट नीचे देखो एक सेकेंडरी डिस्प्ले है फ्रॉम व्हाट आई नो दिस डिस्प्ले इज़ देयर अगर आपका TFT कभी ख़राब हो जाए कुछ टूट जाए मिड रोड में कुछ इश्यूज आ जाएँ तो बेसिक मैट्रिक्स जो होंगी ना आपकी वो तब भी आपको अफ्रीका ट्विन में दिखती रहेंगी जैसे यहाँ पे स्पीड आ रही है 0 km/h गियर दिखाएगा एंड टोटल डिस्टेंस तो ये डिस्प्ले इज़ योर ट्रेडिशनल डिस्प्ले ऑन बाइक्स जो कभी भी ख़राब नहीं होगा ये मैं नहीं कह रहा खराब होगा बट अगर कभी इतनी बड़ी स्क्रीन है आपको पता है जैसे तबड़ा स्मार्टफोन टैबलेट वगैरह लोग लेके घूमते हैं अगर ये कहीं किसी चीज़ से टकरा गया या किसी भाई ने आपकी बाइक को डैमेज कर दिया आपने इसे कहीं पार्क किया हो देन दिस कैन गेट डैमेज्ड सो दिस इज़ अ सेकेंडरी डिस्प्ले दैट विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू वी हैव बीन स्टैंडिंग ऑन दिस टोल फॉर लाइक 5 मिनट्स नाउ एंड यहाँ से फ्री होते होते फ्रॉम दिस टोल
आई एम थिंकिंग इट विल टेक एटलीस्ट 10 मिनट्स मोर, जिस स्पीड से चल रहा है यहाँ पे. 5 मिनट पहले ही हो चुके हैं खड़े हुए. बाइक इज इन फर्स्ट गियर ऑन. आई हैव नॉट स्विच्ड ऑफ द इंजन इवन वंस. हीट बार में देखो मिड पे है अभी बाइक. इतने में तो टाइगर आई थिंक एक बार रह जाता है टाइगर का पूरा फुल होने में. तो और इंजन हीट नेग्लिजिबल. दिस इज कमेंडेबल फ्रॉम होंडा. इंजन हीट आ ही नहीं रही. टाइगर में इतनी देर तक अगर मेरा इंजन ऑन रहता मेरा ना ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है कि यार ये तो हीट हो रही है बाइक, नीचे से गर्मी लग रही है, यहाँ पे हीट गेज बिल्कुल टॉप पे आने वाला है. तो वो सारी टेंशन जो होती है ना वो नहीं है इस बाइक में. आराम से मैं खड़ा हुआ हूँ, कोई इशू नहीं है हीट का, पता भी नहीं लग रहा कि बाइक खड़ी हुई है. जितनी अभी मेरे को हीट फील हो रही है ना ये उससे भी कम है जितनी टाइगर 100 पे चल रही होती है और हीट मार रही होती है. तो इमेजिन करो इसकी हीट मैनेजमेंट कितनी ऑसम है होंडा की. बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक USB पोर्ट है. प्रॉपर खोलो इसे, ये रहा, इसके अंदर एक USB पोर्ट है आई थिंक विच इज़ प्रॉपर वाटरप्रूफ. एक यहाँ पे पावर आउटलेट दिया है, वेरी गुड, दैट्स गुड. एंड ऑब्वियसली ये रहा हमारा क्रूज कंट्रोल का बटन, सेट रीसेट का ऑप्शन है यहाँ पे. एंड देन ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव अ क्लटर ऑफ स्विचेस. समझ नहीं आ रहा क्या क्या है बट एक ओके बटन है. यहाँ पे भाई ने ऑक्स लाइट्स का लगाया हुआ है स्विच. ये आगे पीछे एंटर राइट लेफ्ट करने के बहुत सारे बटन्स हैं, मेरे को पता नहीं है, अभी चला के देखेंगे. जस्ट इन लव विद दिस फैक्ट कि इतनी हाई कैपेसिटी बाइक में इतनी बढ़िया हीट मैनेजमेंट है. जब इग्निशन ऑन होता है होंडा में, ये देखो ग्राफिक्स होंडा के, आओ भाई ये आई एक रोशनी, होंडा अफ्रीका ट्विन. अब यहाँ पे आती है एक एडवाइजरी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हेल्थ इफ़ यू आर राइडिंग दिस 1100cc बाइक. अब चल ज़्यादा नहीं हो गया, थोड़ा इसको करते हैं ओके. राइडिंग मोड चेंज कर सकते हो. अच्छा, अब वो अभी से स्पोर्ट में रखना, मतलब जो हाईएस्ट पावर वाला है टोर. ठीक है, डन. लेट्स हिट इट हार्ड मैन. Oodles of torque. This is one awesome machine. Although the twin character adds a little bit of roughness compared to what you generally see on the Tiger, what you generally feel on the Tiger, I should say. But riding at 160 kilometers per hour, this thing feels super stable. The windscreen height is also pretty good, but I somehow feel that the overall wind blast is a little more than the Tiger, especially on the shoulders. One thing that I feel is very awesome is that without even putting the handlebar risers, the riding geometry is spot on. You don't need to worry about reducing the reach to the handlebar. It's just absolutely fine for somebody who is 6 feet tall. Also, the seat is pretty narrow. I'm just in love with how approachable this seat height is. On the Tiger 800, which has a seat height of about 840 mm, I kind of tiptoe it sometimes. But this one with its narrow profile of the seat, I can flat foot this bike very easily. So seat height, awesome. Wind protection just behind the windscreen is good. But on the shoulders, I feel that the wind blast is there, which could be improved. I think aerodynamically something is wrong here. Cruising speed wise, as you can see, at 166 kilometers per hour. This is no joke on Indian roads and very easy to maintain, very easy to sustain. एक चीज़ होती है आप 150-160 पे पहुँचे हो और उसके बाद आपको लग रहा है यार तेज़ चला रहा हूँ मैं बाइक. इस बाइक पे 150-160 फील ही नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि मैं 120 पे हूँ. सो 30-40 किलोमीटर्स पर आवर कम लग रही है स्पीड चलाने में. दैट टॉक्स अबाउट हाउ कम्फर्टेबल दिस बाइक इज. एंड ओवरऑल द TFT डिस्प्ले मज़ेदार. वी आर राइट नाउ इन द टूरिंग मोड. इसमें 4-5 मोड है, मैं उन सारे मोड्स में भी जा नहीं रहा, बट जो टूरिंग मोड है इज द मोड विद द मोस्ट पावर.
अभी 190 टच करने पे भी लाइक इट वॉज फीलिंग वेरी कम्फर्टेबल, ऐसा लग रहा था अभी और जान बाकी है। ऑब्वियसली 300 सीसी जो एक्स्ट्रा इंजन में है, 1100 सीसी कंपेयर टू द 800 ऑन द टाइगर, यू कैन फील द पावर। आई कैन फील दैट द सीट इज अ लिटिल ऑन द स्टिफर साइड, मे बी इट्स मी और इज इट द केस, बट आई फील दैट द टाइगर सीट इज अ लिटिल मोर कम्फर्टेबल फॉर टूरिंग, बट ओवरऑल द प्रोफाइलिंग इज मच बेटर टू गेट योर फीट टू द ग्राउंड प्रॉपरली। अब इसका क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करके देखते हैं फर्स्ट टाइम। हाँ, 138 पे सेट है हमारा क्रूज कंट्रोल। लेट्स सी द स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी ऑफ दिस मशीन विद माय हैंड्स ऑफ द हैंडल बार। 137-138 किलोमीटर्स पर आवर, क्रूज कंट्रोल ऑन, प्रिटी मैन्यूवरेबल। रिगार्डिंग द एवरेज ऑफ दिस बाइक आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट राइट नाउ, क्योंकि अभी तो यार मैं फोड़ के चला रहा हूँ, आप देख रहे हो 140-150 आराम से टच कर रहा हूँ, 190 भी लेके गया था, एक स्ट्रेच और आए तो खींचते हैं ऐसे 175, 180, 190, 195, 197, 198, 192, 100. First time I test 200 and that is on the Africa Twin. Kind of a new speed record for me. ऐसी रोड है तो ठीक है, एक बार रिस्क लिया जा सकता है। That's a BMW 1200, R1200. That's the Tiger 800 XCA and that is the Honda Africa Twin 1100. That is what a morning ride to Jewar looks like for me. What else do you need? So all good things have to come to an end and let us end this ride on the Africa Twin now and get back to the Tiger 800. Bhai sahab, maine 200 touch kar diya tha. मैं तो पहली बार टच किया 200, मजा आ गया। ओके, टेक केयर, बाय बाय। सो दैट वाज टुडेज राइड गाइस, सो लेट मी नो इफ यू लाइक दिस वीडियो गाइस, हिट द सब्सक्राइब बटन, स्टे कनेक्टेड एंड अ लॉट मोर स्टफ कमिंग अप ऑन द चैनल। टिल देन सी यू, बाय बाय।